एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर सौर मंडल, जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों ने कहा है कि जो सौर मंडल के ग्रह हैं उन्हें उनका जो इंग्लिश नेम है वो भी हमें बताएं, और उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है वो भी हमें बताएं, और कितने ग्रह हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी सौर मंडल के ग्रहों के नाम इसी वीडियो में याद हो जाएँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखते हैं कितने सौर मंडल में ग्रह हैं, पहले ये हम बात कर लेते हैं। टोटली ग्रह हैं सौर मंडल में 8 ग्रह, ठीक है। पहले 9 थे बट अब 8 हैं, तो आपको 8 ही ग्रह के नाम याद करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो है बुध ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि सूर्य के नज़दीक रहता है। तो बुध का इंग्लिश में नाम देखते हैं, बुध का इंग्लिश में नाम है मरकरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या करूँगा इसका, मरकरी। अगला जो ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, वीनस, VENUS, वीनस, ठीक है। अगला ग्रह है हमारी धरती, हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी, जिसका इंग्लिश नेम तो सभी को लर्न होना चाहिए और याद होगा, क्या है, अर्थ। प्रोनाउंसिएशन क्या है, अर्थ, EARTH, अर्थ। अगला ग्रह है मंगल, जिस पर जाने की कवायद सारी कंट्रीज बिठा रही हैं और जहां मानव पहुंचना चाहता है। कौन सा ग्रह है, मंगल, जहां पर संभावना है जीवन की। तो मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। क्या कहते हैं, मार्स, MARS, मार्स। अगला ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। क्या कहते हैं, जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, बृहस्पति। अगला ग्रह है शनि, जिसके चारों तरफ एक कुंडली भी रहती है, आपने देखा होगा, जिसे क्या बोलते हैं, सैटर्न। क्या बोलते हैं, सैटर्न, SATURN, सैटर्न। अगला ग्रह है अरुण, जिसका इंग्लिश नेम है यूरेनस, URANUS, यूरेनस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरेनस। कौन सा ग्रह है, अरुण। अरुण क्या है, यूरेनस। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जो सातवें और आठवें नंबर के ग्रह हैं। लास्ट ग्रह है आपका वरुण, अरुण वरुण में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अरुण को कहते हैं यूरेनस, वरुण ग्रह को कहा जाता है इंग्लिश में नेपच्यून। नेपच्यून नहीं, नेपच्यून, क्या है, वरुण, NEPTUNE, नेपच्यून, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन, और कौन सा ग्रह है, वरुण, जो कि अंतिम ग्रह है। तो ये हमारे सौर मंडल की 8 ग्रह हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और सभी ग्रहों के नाम आपको साथ ही साथ में लर्न हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो फटाफट से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कौन कौन से ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इंग्लिश में देखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हुआ सौर मंडल से संबंधित एक पार्ट। इसी तरह हम और भी पार्ट्स देखेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं कि उनको मिल जाए। तो यहाँ पर इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।